नमस्कार दोस्तों, मैं तो दोस्त मनु मोड़। दोस्तों जो तुसी पंजाब गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम देने हो, हर एग्जाम विच साइंस का सिलेबस होंदा है ते सिलेबस विच बायोलॉजी का टॉपिक होंदा है ते जिस विच इन्वेंट एंड डिस्कवरर खोज अते खोजकर्ता बारे काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम विच आपां नूं देखण नूं मिलदे ने। दोस्तों अज की क्लास में मैडिकल डिस्कवर एंड डिस्कवरर बारे गल करांगे। दोस्तों जो तुसी इन्हां क्वेश्चंस नूं रट्टोगे तां तुहानूं ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहेगा, तां करके इस वीडियो में आप ट्रिक नाल याद करने की कोशिश करेंगे तां जो तुहानूं लंबे समय तक यही क्वेश्चंस दे आंसर याद रह सकन। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एक की कह रहा है, होम्योपैथी किस विज्ञानी द्वारा खोजी गई थी? तो हैनी मेन नामक एक साइंटिस्ट से जिस द्वारा होम्योपैथी की खोज की गई थी। हुण रिलेट करके ट्रिक नाल आपां इसनूं किवें याद करना है, होम्योपैथी तो आपां कढ रहे हां होम, होम मेने की हुंदा घर, ते आंसर विच हैनी मैन मतलब भी कोई भी आदमी घरें नहीं है। तो इस तरह जो भी एग्जाम विच आपां होम्योपैथी वर्ड देखांगे तो आपां नूं होम याद आऊगा। होम तो आपां जो चार ऑप्शन देखांगे इस तो बाद तो हैनी मैन सही आंसर तुहानूं ऑटोमैटिकली तुहाडे माइंड विच रड़क जाएगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर टू की गल करिए, टीवी वायरस की खोज किस विज्ञानी द्वारा की गई थी? तो रॉबर्ट कोच द्वारा टीवी की जी खोज की गई थी। हम इसमें रिलेट करके किमें याद कर सकते हैं? दोस्तों टीवी मतलब टैलीविजन, टैलीविजन का एक की होंगे रिमोट, रॉबर्ट तो आप रिमोट रिलेट कर लेंगे क्योंकि सेम वर्ड लगते हैं रॉबर्ट मोट टीवी, आप ईजीली रिलेट करके अपने माइंड में यह गल सैट हो जाएगी। दोस्तों इस तरह जो तुम माइंड में इमेज बना के या रिलेट करके क्वेश्चनस याद करोगे तो काफ़ी लंबे समय तक आपको यह याद रह जाते हैं। जो रट्टे लाओगे तो दोस्तों तुम ट्राई करके देख लो, अज पूरे रट्ट लो तो कल जो अपने मन तो पूछ के देखो कि इस सवाल का जवाब किसी तो बिल्कुल भी याद नहीं रहना। क्वेश्चन नंबर तीन की गल करिए, हैजा का टीके की खोज किस विज्ञानी द्वारा की गई? तो हैजे के टीके की खोज भी रॉबर्ट कोच द्वारा की गई सी। हुण हैजा वर्ड है जिहड़ा ते रॉबर्ट कोच वर्ड है, इन्हां नूं देख के मेरे माइंड विच की आ रहा है जां नहीं? हुण कोई मेरे तो पूछ रहा है कि इस टीवी का रिमोट है जां नहीं तेरे कोल? मैं इस तरह यह ट्रिक नाल याद किए हुए हैं सारे क्वेश्चनस। तुसीं भी अपने किसी रिलेटिव नाल जां किसी फीलिंग्स नाल जां कोई आंढ गुआंढ दे कोई भी मैंबर नाल तुसीं इस तरह रिलेट करके इन्हां नूं याद रख सकदे हो। ते क्वेश्चन नंबर फोर की गल करिए दोस्तों, टाइफाइड जीवाणु की खोज किस विज्ञानी द्वारा की गई थी? तो रोबार्थ नामक विज्ञानी द्वारा टाइफाइड की खोज की गई सी। हुण टाइफाइड जीवाणु तो मैं की याद आता कि जीवन नाम का कोई व्यक्ति है जिसका बर्थडे है, बर्थ तो की हों बर्थडे, वह टाइप टू बन के एन फिर अपना सैलीब्रेट कर रहा है बर्थडे, तो इस तरह ईजीली ये भी रिलेट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर फाइव की गल करिए, पोलियो टीका की खोज किस विज्ञानी द्वारा की गई सी? तो साल्क नाम का विज्ञानी सी जिसने पोलियो का टीके की खोज की सी। हुण पोलियो टीके तो सबन की याद आता ऑटोमैटिकली नॉर्मल जी गल है दोस्तों, अपनी गलियों में लेडीज़ होंगे ने वो पूछदियाँ रहिंदियां ने कई बार कि पोलियो का टीका बच्चे नूं किन्नी साल की उम्र में लगता है, पोलियो टीके आप साल्क यानी साल नाल रिलेट कर लेंगे तो इस तरह ईजीली इसनों भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स की गल करिए, चेचक का टीका की खोज किस विज्ञानी द्वारा की गई सी? तो एडवर्ड जेनर नामक विज्ञानी से जिन्हें चेचक के टीके की खोज की सी। हुण जेनर तो आपको की याद आ रहा है दोस्तों, जनरेटर याद आता, मतलब जो आप जेनर वर्ड देखते हैं तो जनरेटर वर्ड सब तो पहले अपने माइंड में आता है। हुण जो आप जनरेटर का हैंडल मारते हैं तो वह करता नहीं हों चक 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 है ना करता हूँ, तो इस तो बाद चेचक ना आप इसमें रिलेट कर लेंगे तो ईजीली माइंड में यह गल सैट हो जाएगी। इन्हों दोस्तों थोड़ी यह फनी ट्रिक ने बट काफ़ी बेनीफिट है यह याद रखने वास्ते, एंड जो तुम्हें यह ट्रिक्स वधिया लगती ने तो वीडियो में कमेंट करके मैं जरूर दस दौ। क्वेश्चन नंबर सैवन की गल करिए, एंटीसैप्टिक का इलाज की खोज किस विज्ञानी द्वारा की गई थी? तो जोसफ लिस्टर नामक एक साइंटिस्ट से जिसने एंटीसैप्टिक इलाज की खोज की। हुण एंटीसैप्टिक तो की माइंड में आ रही है, सब तो पहले एंटी है कोई गली नहीं एंटी होंगी है जिमें आप नोटिस करते हैं रेगूलरली अपने गलियों में या अपने आंढ गुआंढ में, वह लड़न वास्ते कोई भी छोटे तो छोटे रीजन करके लड़न वास्ते बिल्कुल जोश में तैयार रहिंदियां ने, नाली पिछे लड़ पे पानी इधर करता झाड़ू करती इधर ये करता वो करता, इस छोटे छोटे रीजन करके इस तरह दी एंटीज पूरे जोश नाल लड़दियां ने ते खरे खरियां सुनाउंदियां ने आपस च। इस तरह तुसी एंटीसैप्टिक का इलाज जोसफ लिस्टर नाल रिलेट करके याद रह सकते हो। दोस्तों तुसी अपने तरीके नाल भी रिलेट कर सकते हो, बस रीजन की है, हुण जिवें हाइड्रोफोबिया वर्ड है,
ਹਾਈਡਰੋਫੋਬੀਆ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਆਂਸਰ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਫੋਬੀਆ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਈਡਰੋਫੋਬੀਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਡਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਚਾਈ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਬੀਆ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਡਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੂਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੂਈ। ਦੋਸਤੋ ਸੂਈ ਤੋਂ ਸੂਈ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਸੂਈ ਯਾਨੀ ਲੂਈ ਪਾਸਚਰ ਹਾਈਡਰੋਫੋਬੀਆ ਦਾ ਖੋਜੀਕਰਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਲੇਰੀਆ ਪਰਜੀਵੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਰੋਨਾਲਡ ਰਾਸ ਦੁਆਰਾ ਮਲੇਰੀਆ ਪਰਜੀਵੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ, ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਹੈ ਰੋਨਾਲਡੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲੇਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਮੇਲੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਇੰਡ ਵਿੱਚ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਲੋਰੋਫੋਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਿੰਪਸਨ ਅਤੇ ਹੈਰੀਸਨ ਨਾਮਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੋਰੋਫੋਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੈਰੀ ਨਾਮਕ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ, ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ ਕੋਲੇ ਫੋਮ ਹੈਰੀ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਿਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ। ਐਂਡ ਦੋਸਤੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਟਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਰਨਲ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ GK ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ PDF ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਿਰਫ ₹44 ਹੈ, ਇਸ PDF ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ PDF ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਇਹ PDF ਫਾਈਲ ਆਲਰੇਡੀ ਬਾਏ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ID ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ PDF ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੋਡ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਪੈੜੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਨੈਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਜਨੈਟਿਕ ਕੋਡ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਿਲੀਅਮ ਹਾਰਵੇ ਦੁਆਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ, ਬਲੱਡ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਖੂਨ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋਅ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਲੀਅਮ ਹਾਰਵੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਾਇੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੈਂਡਸਟੀਨਰ ਵਰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਇੰਡ ਵਿੱਚ ਸਟੀਮਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਸਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਗਾੜਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟੀਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਆ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਹਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੈਫਲਿਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੌਲ ਐਰਿਕ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੈਫਲਿਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੈਫਲਿਸ ਵਰਡ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਐਰਿਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਈ ਨਾਲ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਸ਼ਵਰੀਆ ਰਾਏ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਏ ਨਾਲ ਹੈ ਬਟ ਈ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਾਇੰਡ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਈ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਐਸ਼ਵਰੀਆ। ਹੁਣ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਮਾਇੰਡ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰਿਕ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੋਸਤੋ, ਪੈਨਸਲੀਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਫਲੈਮਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪੈਨਸਲੀਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਵਰਡ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਇੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਮੇਜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਲੈਂਡਰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੂੰ ਕੈਲੈਂਡਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਨਸਿਲ ਨਾਲ ਟਿੱਕ ਮਾਰ ਜੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਡੇਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਡੇਟ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ 2 ਤਰੀਕ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ 3 ਤਰੀਕ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿੱਕ ਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੈਨਸਲਿੰਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੂੰ।
क्वेश्चन नंबर 16 की गल करिए, इंसुलिन की खोज किस विज्ञानी द्वारा की गई सी? तो फेडरिक वेटिंग द्वारा इंसुलिन की खोज की गई सी। हुण इंसुलिन तो मेरे माइंड में आ रहा सुनील सुनील गावस्कर, इंडियन क्रिकेटर सी, सबनों पता है, तो वह बैटिंग बड़ी खतरनाक करता से, तो करके हूँ ईजीली रिलेट हो गया इंसुलिन का जोड़ा खोजी से वह फेडरिक बैटिंग से। क्वेश्चन नंबर 17 की गल करिए, वेरी बेरी का इलाज किस विज्ञानी द्वारा की गई सी? तो जोक मैन द्वारा वेरी बेरी द इलाज की खोज की गई सी। चलो दोस्तों, हूँ ट्रिक तुम अपने आप बना लियो किसी ना भी रिलेट करके, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो करके आप जस्ट सीधे क्वेश्चन ही कवर कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 18 की गल करिए दोस्तों, रैप्टोमसीन की खोज किस विज्ञानी द्वारा की गई सी? तो बोन्स मेन नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्रैप्टोमिसिन नामक दवाई की खोज की सी। क्वेश्चन नंबर 19 की गल करिए, ओपन हार्ट सर्जरी सब तो पहला किस विज्ञानी यानी किस डॉक्टर द्वारा की गई सी? तो वॉल्टन लिलेही नामक जिहड़ा एक साइंटिस्ट सी जिन्हें सब तो पहला ओपन हार्ट सर्जरी की सी। हुण हार्ट तो की मेरे माइंड में याद आता, जिवें हार्ट का सारा दिन धड़कता रहिंदा हिलदा रहिंदा, लिलेही तो की याद आ रहा वर्ड हिलेही जां हिलदा है हार्ट। क्वेश्चन नंबर 20 की गल करिए, दिल ट्रांसपोर्ट सब तो पहला किस विज्ञानी द्वारा किया गया सी? ऐसे क्वेश्चन तुहानूं शो नहीं हो रहा दोस्तों, उसलिए सॉरी, तां इसका आंसर की होगा, दिल ट्रांसप्लांट सब तो पहला क्रिस्टन बर्नार्ड द्वारा किया गया सी। एंड क्वेश्चन नंबर 21 की गल करिए दोस्तों, क्लोरोक्वीन यानी कुनीन नामक दवाई की खोज किस विज्ञानी ने की सी? तो रवि नामक एक साइंटिस्ट से जिन्होंने कुनीन या क्लोरोक्वीन नामक दवाई की खोज की सी। क्वेश्चन नंबर 22 की गल करिए, रैबिज टीका की खोज किस विज्ञानी द्वारा की गई सी? तो लुईस पास्टर नामक एक साइंटिस्ट से जिन्हें रैबिज के टीके की खोज की सी। दोस्तों काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जस्ट वीडियो में देखो ना, हमेशा मैं तुम्हें कहना हूँ ना, जी भी वीडियोज़ तुम्हें मैं प्रोवाइड करा दिना वह काफ़ी इंपोर्टेंट वीडियो है, जिसनों तुम नोटबुक पर नहीं लिखोगे तो वह वीडियो देखने का भी कोई तुम्हें फायदा नहीं है, करके जिन्ना ज़्यादा लिखोगे उन्नी ही ज़्यादा परफेक्ट तैयारी थोड़ी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 23 की गल करिए, टायरामाइसिन नामक दवाई की खोज किस विज्ञानी ने की सी? एक जानवरों को देने वाली टैबलेट होंगी टायरामाइसिन, तो इसकी खोज फिनेले नामक साइंटिस्ट ने की सी। टायरामाइसिन देखो जानवरों वास्ते होंगी यह गोली, तो फिनैल भी आप जिम्मे किसी जानवर के कोई जख्म हो जाता तो आप जानवर से पा दें, तो इस तरह यह भी रिलेट कर लें आप आपस। क्वेश्चन नंबर 24 की गल करिए, शुगर यानी डायबिटीज़ की खोज किस विज्ञानी द्वारा की गई सी? तो बैटिंग नामक विज्ञानी से इसने शुगर की खोज भी की सी। क्वेश्चन नंबर 25 की गल करिए, एंटीजन की खोज किस विज्ञानी द्वारा की गई सी? तो लैंड स्टाइनर नामक साइंटिस्ट सी जिन्हें एंटीजन नामक दवाई की खोज की सी। क्वेश्चन नंबर 26 की गल करिए दोस्तों, विटामिन की खोज किस विज्ञानी द्वारा की गई सी? तो फंक नामक एक साइंटिस्ट सी जिन्हें विटामिन की खोज की सी। देखो दोस्तों, विटामिन नामक कोई पदार्थ या कुछ चीज़ होंगी है, यह फंक नामक एक साइंटिस्ट ने दस दिता से। इस तो बाद इन्हां विटामिन विच अलग अलग फॉर्म्स भी होंगी ने, यह अलग अलग साइंटिस्ट ने यह अगे जाके शो किया, जिवें विटामिन ए ते बी बारे मैकुलन नामक साइंटिस्ट ने इन्हां बारे दस्या सी, विटामिन सी बारे हैबकट नामक साइंटिस्ट ने दस्या सी, विटामिन डी बारे हॉपकिंस नामक साइंटिस्ट ने दस्या सी, ते विटामिन ई बारे हार्वर्ड नामक साइंटिस्ट ने दस्या सी। हुण दोस्तों, जे तुसीं सिर्फ साइंस की तैयारी वास्ते कोई बेस्ट बुक फाइंड कर रहे हो तो फाइंड ना करो, क्योंकि मैं उसका लिंक ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिता है, वह बुक बेस्ट बुक है, खरीद लो उसनूं एमेजोन ऑनलाइन, तुहानूं काफ़ी घट प्राइस से यह बुक मिल जाएगी। एंड जो कोई सवाल है जां कोई क्लास तुहानूं मेरे चैनल पर चाहिए है तो वीडियो में कमेंट करके मैं दस दिओ, एंड कोई जानकारी होर लैनी है तो यही मेरा इंस्टाग्राम आई डी नंबर, इससे मैं फॉलो करके मेरे नाल गल करके पूरी जानकारी लै सकते हो। जे यह वीडियो बेनीफिशियल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर कर लो।